फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चा होने के बाद वेट लॉस कब से प्लान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसके कोई स्टेप्स है। बाय द वे, आप लोगों को अगर मेरे साथ वेट लॉस प्लान करना है तो वी हैव अ अपकमिंग वेबिनार मंथ एंड में, आप लोग उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ ही वेट लॉस करना है देन वी हैव 100 डेज चैलेंज, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। बट अभी के लिए चलिए जानते हैं डिलीवरी के बाद वेट लॉस कब प्लान करना सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लॉस का प्लानिंग शुरू होता है जैसे ही आपका डिलीवरी हो गया। क्यों श्रेया? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, जैसे ही आपका वेट लॉस हो जाता है आप लोग ऑटोमेटिकली एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस पे जाते हो। बट उसका जो प्लानिंग है ये हम लोग 1 या 2 साल के बाद अगर शुरू करेंगे तो वेट लॉस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज तब तक हम लोग को उतने वजन के साथ मूव अराउंड होने की आदत लग जाती है एंड विच इज नॉट एडवाइजेबल। इसीलिए वेट लॉस का प्लानिंग डिलीवरी होते ही शुरू हो जाना चाहिए। शायद प्लानिंग में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? पॉइंट नंबर 1, आपको तभी प्लान करना है कि मेरा अगले 3 महीने का डाइट क्या होना चाहिए सो दैट मैं अभी से आगे नहीं बढ़ूंगी। तो रूल क्या है आपके लिए, आपको डिलीवरी के बाद कंपल्सरी ध्यान में रखना आप जितने किलो पे हो उससे आगे बढ़ना मत। कम होते हो तो बात और है, बट बढ़ना मत, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा चीज़ आपको प्लान करना है कि मैं मेरी बॉडी को हाइड्रेटेड कैसे रखूँगी, बिकॉज तो जैसे ही आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा वैसे बॉडी में थकान आने लग जाएगी, स्किन का ग्लो चला जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एंड यू विल एक्चुअली फील वेरी डल, इट्स नॉट अलाउड। तीसरा चीज़ आपको प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबा 3 महीने बाद अगर मुझे वेट लॉस प्लान करना है तो मैं किसके साथ कैसे और कब से प्लान करूँगी, विच इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप, बिकॉज मदर्स का वेट लॉस और किसी नॉर्मल इंसान के वेट लॉस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मदर के वेट लॉस में उनका स्टमक एंगेजमेंट, उनका गियरिंग अप टूवर्ड्स वर्कआउट, उन लोगों का मेंटल सेटअप, माइंडसेट, ब्रेस्ट फीडिंग, राइट न्यूट्रिशन, सब कुछ ध्यान में रख के फिर उनके साथ काम करना पड़ता है। सो मदर्स वेट लॉस इज़ वेरी डिफरेंट। आप लोग किसी के भी अंदर आपका वेट लॉस प्लान करो बट आपको याद में रखना कि वो बंदे को पता होना चाहिए कि डायस्टेसिस रेक्टाई का हीलिंग कैसे होगा, ब्रेस्ट मिल्क बिना अफेक्ट किए आपका एक्सरसाइज और डाइट कैसे प्लान होगा, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको खुद के लिए टारगेट सेट करना है। जैसे परसों हमने किसी को तो भी पूछा, उन्होंने हमें बोला हमें 43 kg कम करना है 3 महीने में। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सो यू हैव टू सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट कि मुझे कितना किलो कम करना है। आइडियल हम लोग बोलते हैं कि 3 महीने में 5 किलो के आसपास भी अगर वजन कम होता है, जहाँ पे आपका एब्डोमिनल एंगेजमेंट, स्टमक टाइटनिंग, टोनिंग, बॉडी का टोनिंग, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व है, इट्स ऑल वर्थ इट। बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके खुद के लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करो। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आता है, जहाँ पे हम लोगों ने प्लान कर लिया कि कैसे वेट लॉस चाहिए। पॉइंट नंबर 2 विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इज टाइमलाइन डिसाइड करो। टाइमलाइन क्या होता है पता है? आपकी प्रायोरिटी क्या है। पहले 1.5 महीना आपकी प्रायोरिटी है बच्चे के साथ रूटीन सेट करना। टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ कोई एब्रप्ट एक्सपेक्टेशन मत रखना। सो पहले कुछ दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग को सेट करना इज़ द प्रायोरिटी। एक बार 40 डेज हो गए कि बच्चे को दिन रात आप सिखा सकते हो, आप बच्चे को रात में सोने के लिए ट्रेन कर सकते हो, आप बच्चे का कैलोरी इंटेक मतलब फीडिंग स्केड्यूल ऐसे सेट कर सकते हो कि आपका दिन और रात बेटर मैनेज रहे। सो यहाँ पर आप पूरी रात सोना इज़ नॉट द टारगेट, बट अ बेटर स्लीप एट नाइट कैन बी प्लान। तो आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग कैसे प्लान कर सकते हो, आप लोगों का इस ड्यूरेशन का जो आपका स्लीप टाइम है, आपका वेकअप टाइम है, आपके एक्सरसाइज टाइम है, एंड देन 3 महीने बाद यू हैव टू गेट स्टार्टेड विथ डायस्टेसिस रेक्टाई हीलिंग एंड वेट लॉस। वेट लॉस करते वक्त आपको ये भी प्लान करना है, क्या मुझे बम्स को टोन करना है, क्या मुझे स्टमक कम करना है, मुझे हाथों को टोन अप करना है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं बस मुझे पेट कम करके दे दे बाकी सब ठीक है। इट डजंट हैपन लाइक दिस। पेट सबसे लास्ट कम होता है, पहले बाकी सब कम होगा और पेट सबसे लास्ट कम होगा। जब तक आप लोग कंसिस्टेंसी को पकड़ के आगे चलोगे तब कहीं जाके पेट कम होने के लिए आता है, तब तक पेट कम नहीं होता है। तो क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर योरसेल्फ, ये आपको एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच देता है टुवर्ड्स वेट लॉस एंड इट विल हेल्प यू बिग टाइम। थर्ड, ब्रेस्ट फीड। आप मेरे जितने लोग ब्रेस्ट फीड कर रहे हो
श्रेया मैं तो ब्रेस्ट फीड करती हूँ 90 किलो की। इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग 90 kg, इट्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग मदर का वेट लॉस जर्नी बहुत आसान होता है। बिकॉज आप हर बार जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तभी आप बहुत सारे कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हो, एक प्रॉपर वर्कआउट होता है आपके बॉडी के अंदर। तो उसके साथ अगर आप लोग प्रॉपर डाइट और प्रॉपर वर्कआउट का बैकअप दोगे, यानी वेट लॉस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डूएबल। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल अप्रोच अगर हम लोग लेके आगे चलेंगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फोर्थ स्टेप, ईट फॉर वेट लॉस। मतलब क्या है, हमारे घर वाले बोलते बस तू दूध के लिए खा, वजन का कुछ भी हुआ तो भी चलेगा। चलिए हम लोग समझते हैं, पहले 10 दिन 20 दिन 30 दिन हम लोग समझ सकते हैं, बहुत सारा घी अंदर जा रहा है, बहुत सारा फैटी फूड अंदर जा रहा है, बट उसके बाद क्या? उसके बाद भी अगर हम लोग बहुत सारे घी वाला खाना खाते बैठ जाएंगे तो फिर बहुत तकलीफ होगी। सो हमारा जो 100 डेज वेट लॉस चैलेंज है, अभी उसमें कुछ कुछ लेडीज है जिनको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है कि एग्जैक्टली शायद मेरे लिए मैं अलग से कैसे निकालूँ, देन वील ऑलवेज आस्क देम। अगर आपके पति के लिए डाइट प्लान होता तो आप उसको हेल्प करते ना, वैसे ही खुद के लिए हेल्प करना। हम आपको कोई अजीब डाइट नहीं दे रहे जो आप फैमिली में नहीं कुक कर पाओगे बहुत अच्छे से, यू शुड बी एबल टू डू इट। अगर कोई चेंजेस चाहिए तो न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है आपको चेंजेस देने के, बट यू हैव टू ईट टू लूज वेट। यू डोंट हैव टू ईट हॉक करते जा रहे हो, आपको जो बढ़ना उतना बढ़ने दो, श्रेया मेरे को तो खाना है, दैट विल नॉट वर्क। ईट टू पुट ऑन वेट नहीं करना, मेरे को इमोशनल ईटिंग होता है, मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं खाती है, देन यू आर ईटिंग टू पुट ऑन वेट। यू हैव टू ईट टू बी हेल्दी, ईट टू लूज वेट। और जिसके लिए आपको हम लोग का हेल्प नहीं चाहिए, ईट टू लूज वेट में क्या आता है, होल फ्रूट्स खाओ, बहुत सारा पानी पियो, जब भी भूख लगे तभी खाना खाओ, जरूरत हो उतना खाना खाओ, तभी भूख नहीं है तभी खाना मत खाओ, और अनहेल्दी चीज़ें अवॉइड करो। ये बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग को न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन किसी की भी जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू ईट टू लूज वेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इस फंडा को याद रखते हैं तो हमारा वेट लॉस का जर्नी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट क्रैश और बर्न। इसका मतलब क्या है, मैंने इतना किया कि मैं क्रैश आउट हो गई, मेरे को बस बर्न करना है, फैट बर्न करना है, आई एम डूइंग कीटो डाइट, आई एम डूइंग फास्टिंग, आई एम डूइंग दिस। नो, आपको अलाउड नहीं है, हमको भूल के चीजें नहीं करनी। वी डोंट वॉन्ट टू गो फॉर दिस और दैट, अ फिट मदर विथ वेट लॉस और अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड अस और इन दिस जर्नी, इट्स दिस एंड दैट। सो मुझे ऐसी वाली मम्मा बनना है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराए, जो बच्चा का ध्यान भी रखे, बच्चे के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन भी ले, प्लस खुद के ऊपर भी ध्यान दे, खुद का भी मेडिटेशन करे, खुद के ऊपर भी काम करे, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑल बिग टाइम। बट इसकी ज़रूरत है, अगर ये हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आपको याद रखना है कि आप दिस एंड दैट वाला अप्रोच लो, बच्चा, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस, बच्चे के लिए सब चीज़ें प्लान आउट करना, प्लस खुद के लिए टाइम प्लान आउट करना चाहिए। नेक्स्ट, बी रिस्पॉन्सिबल। वेट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की तरफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट, रिस्पॉन्सिबल आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल आपके स्ट्रेस के लिए। नहीं नहीं, वो मैं गुस्सा नहीं करती, वो मेरी मदर इन लॉ गुस्सा दिलाती है। क्यों? किसी में कैपेसिटी नहीं है हमको गुस्सा दिलाने की, वो बोलते हैं जो बोल रहे हैं, उसको गुस्सा लाना है नहीं लाना वो मेरा डिसीजन है। एंड वी आर नॉट अलाउड कि हम लोग उस चीज़ में बह के चले जाए। तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग को खुद के हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, एंड दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। नेक्स्ट स्टेप, एक्सरसाइजेस। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको श्रेया के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। 100 डेज जो वेट लॉस चैलेंज है उसमें आपको ऑलमोस्ट हर हफ्ते नया वर्कआउट स्केड्यूल मिलता है जो आप श्रेया के साथ कर सकते हो। बट व्हाट इज़ वेरी क्रूशियल ओवर हियर इज कि आप लोग याद रखो कि आपको ध्यान में रख के एक्सरसाइजेस चालू करनी है, नॉट रैंडम एक्सरसाइजेस। आई हैड अ मदर जिसने बिना किसी को पूछे डायरेक्टली जिम और वेट ट्रेनिंग चालू कर दिया। नहीं, मुझे तो पता है कैसे करना है, अवॉइड। एटलीस्ट कुछ दिन तक यू शुड बी अंडर ट्रेनर जिसको डायस्टेसिस रेक्टा है, समझता है, न्यू मम्मा का फिटनेस समझता है, या एटलीस्ट इनिशियल कुछ दिनों के लिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं मेरी हेल्थ को कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, मुझे एक्सरसाइजेस क्यों करना है, बैक पेन कम्फर्ट के लिए, ब्रेस्ट टोनिंग के लिए, मुझे मेरे मेंटल हेल्थ के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड थिंक कि मुझे कौन सी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू योर
नेक्स्ट प्लानिंग. लास्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड इंस्पिरेशन अराउंड यू. आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि श्रेया आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको लगता है मैं आपके लिए इंस्पिरेशन हूँ, देन आई एम योर इंस्पिरेशन, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मी. अगर आपके आसपास और कोई है जो बहुत फिट मदर है, बहुत एनर्जेटिक मदर है, तो उनसे इंस्पिरेशन लो. फंडा बहुत सिंपल है, गेट इंस्पायर एंड बी इंस्पायरिंग. अगर हम लोग किसी और को देखते हैं जो फिट है, जिसने खुद का वेट लॉस का जर्नी किया हुआ है, तो वो लोग एक्चुअली हमें इंस्पायर करेंगे टू गो अहेड इन दिस जर्नी. और किसी का तो इंस्पिरेशन लगेगा हम लोग को. अदरवाइज क्या होता है पता है, सेल्फ मोटिवेटेड लोग दुनिया में बहुत कम है. मेरे टीचर कहते हैं पीपल फॉलो फॉलोअर्स. अगर किसी और की कोई चीज़ फॉलो करने की वजह से उनको रिजल्ट मिला है, यू ऑल्सो थिंक अबाउट फॉलोइंग इट, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा. ये हो गए कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स जो आपका वेट लॉस का जर्नी शुरू करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं. सो प्रॉपर वेट लॉस प्लानिंग अंडर अ प्रॉपर ट्रेनर अगर आप लोग करते हो, तो आप लोग 3 महीने बाद आराम से कर सकते हो. यू शुड थिंक अबाउट इट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. कीप वॉचिंग. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.